हेलो फ्रेंड्स, फाइनली Redmi Note 7 Pro के लिए चाइना बीटा अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे है जो आप अपने Redmi Note 7 Pro में आप चाइना रोम फ्लैश कर सकते हैं। चाइना बीटा की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप यहां देखेंगे कि मेरा फ़ोन जो है वो ग्लोबल रोम पे है, ग्लोबल स्टेबल। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर MIUI वर्जन पर टाइप करना है। 5 पर डेवलपर ऑप्शन में जाके आपको बूटलोडर अनलॉक करना है, क्योंकि दोस्तों बूटलोडर अनलॉक नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग स्टेप होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा बूटलोडर अनलॉक है, और आपको क्या करना है कि यहाँ पे USB डिबगिंग ऑन कर देना है। ओके, और उसके बाद से बस ये सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको रोम डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं रोम की लिंक दे दूँगा, और आपको Xiaomi.eu टूल भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं सब कुछ आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अब आपको क्या करना है कि आपको केबल कनेक्ट करना है। केबल कनेक्ट करने के बाद में आपको अपना डिवाइस जो है वो पीसी से कनेक्ट कर देना है यूएसबी से। यहाँ आप देख रहे हैं कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको अब आपको क्या करना होगा कि आपको अपने डिवाइस को जो है फास्ट बूट मोड में ले जाना होगा। इसके लिए आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा डिवाइस। डिवाइस पावर ऑफ करने के बाद जो है अब आपको वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन दबाना है। वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन, दोस्तों यहाँ देखेंगे फास्ट बूट मोड ओपन हो चुका है। अब हम आपको इसको साइड में रखेंगे और मी फ्लैश टूल ओपन कर लेना है। Mi Flash Tool ओपन होने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना होगा, तो दोस्तों Mi Flash Tool ओपन होने के बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिखेगा, क्लीन ऑल, सेव यूजर डाटा, क्लीन ऑल एंड लॉक। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लीन ऑल ऑप्शन चूज करना है। याद रहे दोस्तों, आप क्लीन ऑल एंड लॉक ऑप्शन ना चूज करें, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका डिवाइस भी फ्लैश कर देगा, उसके बाद से आपका बूट लोडर भी अनलॉक कर देगा, यानी आपको फिर से बूट लोडर लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे डिवाइस यहाँ पे रिकग्नाइज हो चुका है। यहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो आप रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं होता तो आप एक बार USB डिबगिंग चेक करिए, इनेबल डिसेबल करके रिबूट करके अपना डिवाइस। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पे आपने रोम सेव किया है, मैंने लोकल डिस्क सी में सेव किया हुआ है, तो आपको यहाँ दिख रहे हैं वॉलेट ये है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है इसको। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये स्टार्ट कर देगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब सारा। उसके बाद से आपको इसके पूरा होने देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है जिप फाइल जो है कि एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसको एक बार कॉपी कर लेना है, कॉपी एड्रेस। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो है सेव कर देना है। ये रहा, यहाँ पे आपका सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि फ्लैश पे दबा देना है। फ्लैश पे दबाने के बाद आप देखेंगे कि ये फ्लैशिंग करना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे स्टेटस, प्रोग्रेस और फ्लैशिंग रिजल्ट में। तो दोस्तों देखेंगे ये कितना लास्ट टाइम लगता है। लगभग मेरे ख्याल से 5 से 7-8 मिनट तो ही लेगा। चलिए दोस्तों, तब तक मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फ्लैश टर्न सक्सेस हो गया, और ये डिवाइस जो है फास्ट बूट मोड से होके अब आपका ऑटोमेटिक ऑन होगा। अब यहाँ देखेंगे कि लोगो आ चुका है Redmi by Xiaomi, और यहाँ पे देखेंगे बूट लोडर अनलॉक है। दोस्तों फर्स्ट बूटअप है आफ्टर फ्लैशिंग के बाद, तो समथिंग कुछ मिनट लगेगा, 5 से 8 मिनट। इसकी कोई बात नहीं है कि आपका डिवाइस जो है वो ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा। तो दोस्तों मैं बूटअप होने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है अब डिवाइस जो जैसे कि मैंने पहले लॉगिन कर ही चुका था, तो ये एक्टिवेट करने के लिए मांग रहा है टोटली चाइनीज। तो हमें यहाँ से पता चल सकता है कि यहाँ पे जो है चाइना रोम फ्लैश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेटअप करके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लूँगा। उसके बाद से सेटअप करने के बाद कनेक्ट है, इसके बाद से मैं यहाँ पे जाऊँगा, टर्म्स एंड कंडीशन समथिंग पूछेगा, आपको सब कुछ ओके करते जाना है। फिर से नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप पर्सनल ऐड रिकमेंडेशन ऑफ कर सकते हैं, जिसमें ऐड नहीं शो करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट करके अब आपको थीम चूज़ करने के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम चूज़ कर लूँगा, उसके बाद ओके कर दूँगा। सिस्टम मोड नेविगेशन मैं अभी बटन फिलहाल चूज़ करता हूँ, उसके बाद से ओके करके यहाँ पे सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब आप यहाँ पे एरो दबाएंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो है, मैं सबसे पहले इसका ब्राइटनेस ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कि है, अब मैं आपको सेटिंग में ले चलता हूँ। सेटिंग ले जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि टोटल जो है ये पूरा आपको चाइनीज़ यूआई दिखेगा। यहाँ पे माय डिवाइस में देखूँगा, यहाँ पे देखेंगे कि स्नैपड्रैगन आपको समथिंग, ये यूआई जो समथिंग अच्छा लगता है, यही अगर ग्लोबल मेरे अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है वीकली रॉम है। अगर मैं यहाँ पे ऑल स्पेक्स की बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे इसने लिखा है इसमें जुलाई में, पता है सिक्योरिटी पैच जो हमारा ग्लोबल पे था वो समथिंग तीसरे महीने का था, लेकिन इसमें आपको एकदम लेटेस्ट मिला, क्योंकि ये बीटा है 1.5.2019 का मिलता है आपको यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का आपको टोटल चाइनीज़ रॉम जो है आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी फ्लूइड है, यानी काफ़ी स्मूथ है। और मैं आपको कुछ दिन बाद इसका यूज़ करूँगा और आपको रिव्यू दूँगा कि किस तरीके से जो ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे बैटरी बैकअप है, कैसा परफॉर्मेंस है, तो मैं इसका आपको रिव्यू जल्दी दूँगा। चलिए दोस्तों, बाय।